नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। चीन समेत विभिन्न देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कोविड प्रबंधन के लिए गठित उच्च स्तरीय टीम के साथ प्रदेश की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलों में आईसीयू क्रियाशील हो, साथ ही दवाओं, विशेषज्ञों, टेक्नीशियन की कमी न होने पाए। कोविड काल में सेवा देने वाले अस्थायी कर्मी का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा सीएम ने बताया कि कोविड टीके 11 लाख से अधिक डोज प्रदेश में उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी की तर्ज पर सभी जिलों में निवेशक सम्मेलन आयोजित करने की अपील की है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री कोरोना के नए वेरिएंट पर एक्शन में सीएम योगी। टीम 9 के साथ सीएम की योगी की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को दिए सीएम ने जरूरी निर्देश। आईसीयू दवाओं, विशेषज्ञों, टेक्नीशियन की ना हो कमी। कोविड काल में सेवा देने वाले अस्थायी कर्मिकों का रखे ध्यान। कोरोना के नए वेरिएंट पर एक्शन में सीएम योगी। टीम 9 के साथ सीएम योगी की उच्च स्तरीय बैठक। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विवेक। विवेक, टीम 9 की आज बैठक की गई है, क्या कुछ अहम निर्देश दिए गए हैं? जाता है इस बैठक में ब्रजेश पाठक, जो कि उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं सूबे के, वो भी मौजूद रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा है इस बैठक में कि जितने भी अस्थायी कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए और कोरोना के प्रबंधन की पूरी तरीके से इंतजाम किया जाए, चाहे वो आईसीयू की बात हो, चाहे वो बेड की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो। और स्वास्थ्य विभाग को भी हम निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोताही जो है इस नए वेरिएंट को लेकर ना बरती जाए, क्योंकि हमने देखा है किस प्रकार से कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप करके रखा था और भारत भी खासा जो है भारत के लोगों को इसमें परेशानी उठानी पड़ी थी। खासकर पर सेकेंड वेव ने तो भारत की एक कमर सी तोड़ दी थी अर्थव्यवस्था की और लोग काफी ज्यादा परेशान भी रहते थे। उसको लेकर नए वेरिएंट को लेकर एक खास बैठक थी जो मुख्यमंत्री ने की। इस बैठक में ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। उन्होंने सभी जो है अस्पताल के सीएमओ को भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए और मास्क को लेकर भी गाइडलाइन बरती गई है कि सभी अस्पताल परिसर में लोग मास्क लगाए, भीड़ भाड़ इलाके लोग मास्क लगाए और जो टीकाकरण से छूट गए हैं लोग अभी तक, वो अपना बूस्टर डोज से सेकेंड डोज और बूस्टर डोज लगवा के रहे हैं, अपनी तरफ से एहतियात बरते और पूरा जो प्रदेश जो लोग है वो जागरूक रहे, भीड़ भाड़ इलाके में मास्क का प्रयोग करें। जी, देखा जाए तो विवेक, कोरोना जो है चीन में 40 दिनों तक पीक पर रहेगा, तो क्या कुछ इस पर भारत पर भी असर पड़ सकेगा, क्योंकि लगातार भारत में केसेस बढ़ रहे हैं? जी, लगातार भारत में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। अब जो एयरपोर्ट से लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है और कुल 6 देशों से जो लोग आ रहे हैं हवाई यात्रा करके उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनका सैंपल लिया जा रहा है, उनको जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है कि अगर लोग पॉजिटिव है उसमें वेरियंट का पता चल सके, अगर नया वेरियंट है तो किस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए उसपे भी ये चीज जो है वो लागू होती है। एम्स के जो निदेशक, उन्होंने कहा है कि ये जो 40 दिन है वो भारत के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इन 40 दिनों में पता चलेगा कि कितना हम सजग हैं, हमारी व्यवस्थाएं कैसी है और लोगों पे इम्यून पे क्या कुछ असर पड़ रहा है। अमेरिका का जो वेरिएंट है गुजरात में पाया गया है जो कि 120 गुना ज्यादा संक्रामक है, उसके लिए भी काफी तैयारियां जो है करी जा रही है। अभी जो है हर जगह पे रैपिड सैंपलिंग चल रही है, लोगों की स्क्रीनिंग चल रही है, खासतौर पर एयरपोर्ट वगैरह वाले पे। तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार नए वेरिएंट को लेकर काफी सतर्क है, हर विभाग को निर्देश जारी कर चुका गया और इस मीटिंग का एक अहम उद्देश्य यही था कि सभी लोगों को जरूरी निर्देश जारी किया जाए, इस वेरिएंट को लेकर सतर्कता बदली जाए और सरकार जो है अपने जो व्यवस्थाएं इंतजाम उसको चुस्त और दुरुस्त करे। हॉस्पिटल्स को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं नए वेरिएंट को लेकर, आम जनता से क्या कुछ अपील की गई है? जी, सभी अस्पताल के सीएमओ के निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने यहाँ पुख्ता जो है इंतजाम करें। अभी कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल भी हुई थी देश भर के सभी अस्पतालों में, बलरामपुर हॉस्पिटल में डिप्टी सीएम खुद पहुंचे थे, एक ही उपकरण का जायजा लिया था, चाहे वो ऑक्सीजन का उपकरण हो या फिर ऑक्सीजन का प्लांट हो, वेंटिलेटर हो, आईसीयू हो, बेड हो, हर चीज की उन्होंने पुख्ता व्यवस्था खुद ही जारी की थी। तो लखनऊ के अस्पताल जो कोविड के वो तैयार रहे हैं, बाकी हर जगह पे जो है लोग बंधु अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई थी, हर जगह मॉडल के जरिए
कितना हम कोरोना प्रबंधन को लेकर तैयार है, हमारे उपकरण कितने तैयार है, हथियार कितने तैयार है, इसकी बात मॉकड्रिल में देखी गई थी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली है। इससे पहले कई विपक्ष नेताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का भी मन अब यात्रा को लेकर बदला हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं मिलने की बात कही थी। तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही जैसे हैं। इसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी तीर चले, लेकिन अब सपा प्रमुख का मन अचानक बदला हुआ है। और आपको बता दें, इसकी वजह अखिलेश यादव द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी है। अखिलेश यादव ने इस चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। वहीं उन्होंने यात्रा में बुलाने के लिए धन्यवाद भी कहा। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, प्रिय राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं भारत जोड़ो की मुहिम की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द की वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ता है। आशा है ये यात्रा हमारे देश के इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर अखिलेश यादव ने अपने विचार बदल लिए हैं। वहीं कुछ दिन पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग चल रहा था, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा था कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन अब अखिलेश यादव ने निमंत्रण आने पर उनका धन्यवाद किया है और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी को शुभकामनाएं भी दी है। बता दें कि अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले जुबानी जंग अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच चल रही थी, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने अपना मन बदल लिया है। वो इस यात्रा में शामिल होंगे। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और कहा कि भारत भौगोलिक विस्तार से अधिक एक भाव है जिसमें प्रेम, अहिंसा, करुणा, सहयोग और सौहार्द के वो सकारात्मक तत्व है जो भारत को जोड़ता है। आशा है कि ये हमारे देश की इसी समावेशी संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। तो लगातार अब ये देखा जाए तो अब भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे। और इस खबर पे हमारे साथ जुड़ेंगे विवेक। विवेक, भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया है। देखिए नंदिनी, भारत जोड़ो यात्रा है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने निकाली और ये काफी बड़ी यात्रा है जो दिल्ली से कन्याकुमारी तक यात्रा की बात कर रहे हैं और लगातार जो है इस यात्रा को नेतृत्व करके राहुल गांधी चल रहे हैं। उन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, मुखिया हैं, उनको निमंत्रण भेजा है और इसी तर्ज पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है और इस निमंत्रण का बाकायदा उन्होंने एक पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है इस निमंत्रण के लिए और काफी भावनात्मक बातें भी कही अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने इस पत्र में लिखा है कि भारत जो है एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के अलावा एक भाव है, सत्य, अहिंसा, करुणा, सौहार्द, प्रेम, सत्य, यही जो है वो एक भारत की पहचान है, यही भारत को जोड़ता है। तो काफी भावात्मक बातें लिखी हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, इस समय समाजवादी पार्टी में मुखिया है, पक्ष के बड़े नेता है, मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, हर चीज को, राजनीति के हर मर्म को समझते हैं।
इस आमंत्रण को स्वीकार करने के बाद उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं इस यात्रा के लिए कि यात्रा सफल हो। इसके पहले वो हाल फिलहाल में नकारते जरूर रहे थे, लेकिन ये इस पत्र से काफी कुछ चीजें स्पष्ट हो गई है नंदिनी। देखा जाए तो 2024 को लेकर हर विपक्ष पार्टी अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है, और विपक्ष कहता है कि वो पूरी तरीके से एकजुट हैं। तो वहीं अब दो तीन दिन लगातार जिस तरीके से देखा गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग चला था, लेकिन अब अखिलेश यादव इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या सियासी मायने निकाला जाए इसका? देखिए, हर विपक्षी पार्टी को राहुल गांधी ने न्योता दिया है, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो। 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में जो है ये यात्रा प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद बॉर्डर से यात्रा निकलेगी। तो तमाम बड़ी पार्टियों को, ओम प्रकाश राजभर को भी निमंत्रण आया था सलमान खुर्शीद का, राहुल गांधी ने खुद इनको निमंत्रण दिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शुभकामनाएं भेजकर एक पत्र के द्वारा जो है निमंत्रण स्वीकार करने की बात है। हालांकि वो स्पष्ट कर चुके हैं अब इस चीज को, कारी सारी चीजें चल रही है यहाँ पे, पहले नकारते जरूर थे लेकिन वो इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो काफी कुछ चीजें अब स्पष्ट हो रही हैं, विपक्ष एकजुट हो रहा है आम चुनाव के लिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अब अखिलेश यादव के बाद विपक्ष चेहरे में देखा जाए, अखिलेश यादव के बाद कौन कौन से ऐसे चेहरे लगता है कि शामिल हो सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा में? देखिए, ओम प्रकाश राजभर को निमंत्रण गया है, अखिलेश यादव को निमंत्रण गया है, वहां दक्षिण को भी निमंत्रण गया, तो तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण जा चुका है। अभी देखने वाली बात होगी कि ये नेता किस प्रकार से शिरकत कर सकते हैं। हालांकि आज अखिलेश यादव का स्टैंड साफ हो गया है कि वो इस यात्रा को शुभकामनाएं दे रहे हैं, सफल होने की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो और भी बड़े चेहरे हमको विपक्ष के देखने को मिल सकते हैं नंदनी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। वहीं अब भारत जोड़ो यात्रा पर बदला अखिलेश यादव का मन। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस के निमंत्रण पर अखिलेश ने लिखी चिट्ठी। भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण के लिए धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा पर बदला अखिलेश यादव का मन। वहीं अब अगली खबर की बात करें, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका गई है जिसमें समाजवादी पार्टी ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की। ये याचिका राम सिंह समेत 7 सपा नेताओं ने याचिका दाखिल की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। ओबीसी आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि सपा नेता के 7 नेताओं ने याचिका दाखिल की है इसको लेकर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी सुहानी। सुहानी, समाजवादी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है ओबीसी आरक्षण को लेकर। जी नंदिनी, आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के लिए जो योगी सरकार ने जो अपने 93 याचिकाओं के साथ 7 दिसंबर को जो अधिसूचना जारी किए थे उस पर लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की। 11, 12, 20 और 27 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद होने के बावजूद इस पर अहम फैसला आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 87 पेज में अपना फैसला सुनाया कि जो भी अधिसूचना 93 याचिकाएँ लगी वो पूरी तरह से सही है और बिना आरक्षण के ये निकाय चुनाव कराया जाए। जब से ये फैसला आया सिर्फ विपक्ष दलों ने बीजेपी पर आरोप लगाने लगे कि ये पूरी तरफ से ये बीजेपी का ये एक साजिश था, एक जो आरक्षण को खत्म करने के लिए साफ तौर पे चाहे वो सपा हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी, पूरी तरह उनके लगातार उन पर आरोप लगाते रहे कि ये इनकी एक चाल है बीजेपी के पूरी तरह से आरक्षण को खत्म करने का। लेकिन इसको देखते ही वही दूसरी तरफ जो भाजपा के जो केशव प्रसाद डिप्टी सीएम है उनका कहना है कि जब से ये फैसला हम लोग
लोग सुने। उसी टाइम हम लोग एक आयोग गठित किए और आयोग गठन करने के जो आयोग 6 महीने का इसका पूरी इसका विधि है और इसके जो अध्यक्ष करेंगे वो राम अवतार सिंह करेंगे और 6 महीने में जो भी OBC होगा अपना रिपोर्ट कार्ड करेगा और उसके बाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट निकाय चुनाव जो अपना फैसला सुनाएंगे तभी हम निकाय चुनाव करा सकेंगे। लेकिन दूसरे तरफ जो है जो भी विपक्ष दल है अभी भी नहीं मान रहे, उनको लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि ये निकाय चुनाव को जो भी हो वो OBC के साथ कराया जाए। और अब ये मामला जो अब है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सपा के जो नेता हैं जो विधायक राम सिंह वो आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं और याचिका दाखिल की है और इस पर अब कार्रवाई 4 जनवरी को होगा जी। तो अब देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने फैसला 4 जनवरी को क्या सुनाता है जी। सुहानी बात करें तो बसपा लगातार निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है, लगातार बैठकें कर रही है, वहीं मायावती लगातार सरकार पर कंज भी तस रही है देखा जाए तो। जी 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 नंदनी, आपको बता दें जो बसपा है वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है इस बार निकाय चुनाव के, और ये जो एक तरफ से देखा जाए तो मायावती जो है ये आरक्षण के फायदा उठाना चाह रही, इसलिए वो हर तरफ से अपना एक वो बैठक भी कर रही है, लगातार उनको सक्रिय नजर देखा जा रहा है इस निकाय चुनाव में। और उन्होंने BJP पे तंज भी कसा है कि जो मनसा था जो भाजपा सरकार की पिछड़ों के लेकर वो पूरी तरह से इस बार दिख रहा है और वो अपना जो मनसा दिखा दिए कि वो आखिर वो पिछड़ों और दलितों के लिए क्या सोचते हैं। तो इस तरह से सिर्फ बसपा ही नहीं आम आदमी पार्टी भी आज उन्होंने एक आंदोलन किया है, पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो भी आरक्षण लागू हुआ है वो पूरी तरह से बसपा के सहमति में हुआ है और ये जो ढोंग कर रहे हैं आयोग गठन करने का वो एक सिर्फ लोगों को और जनता को दिखाने के लिए ये एक ढोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से तमाम पार्टियों की प्रतिक्रिया एक विरोध प्रदर्शन आ रहा है भाजपा के लिए और भाजपा दूसरी तरफ वो भी कह रहे हैं कि बिना हम निकाय चुनाव OBC के नहीं करेंगे। तो देखा जा रहा है कि 4 जनवरी को अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ क्या अपना आदेश सुनाता है और क्या आता है चुनाव निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ होगा या बिना होगा वो तो 4 जनवरी को पता लगेगा जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का मामला, यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, सपा ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग, सपा विधायक राम सिंह पटेल ने दाखिल की याचिका, निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का मामला। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।